प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में मुझको जीवित सही सलामत और अच्छा चंगा रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उस परमेश्वर के अनुग्रह दया से आप लोग भी ठीक है। आइए उस परमेश्वर के पास अपना जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के पास रखते हुए हम लोग प्रार्थना में आएंगे। सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय के साथ प्रभु को पुकारेंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं पितामेश्वर। सुंदर अवसर को तूने दिया पिता, पितामेश्वर इस घड़ी पे पितामेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं पिता, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष कर, आशीष दे पिता, उनके कमी घटी को यीशु के नाम से पिता तू पूरी कर। और पितामेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ने पाए ऐसा दया और अनुग्रह को तू दे प्रभु। रिबालाबा शिदेरी खरा पितामेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू दया अनुग्रह सच्चाई और प्रेम से भर दे प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, आज के आराधना के द्वारा तू हमसे बातें कर, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में आने पाए ना बुद्धि से ना ज्ञान से पितामेश्वर, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा हम लोग अगुवाई होने पाए ऐसे दया अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के शरण में जब आए हैं, उसलिए वचन में भी कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ। हालेलुया, आज विश्वास कीजिए प्रभु आपके बीच में, आपके मध्यस्थ में होके वो प्रभु आपसे बातें करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया, इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर यही खोजता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हर वक्त परमेश्वर आपके मुंह पे हर वक्त परमेश्वर की धन्यवाद और महिमा होना चाहिए, दुख हो या सुख। इंसान क्या करते हैं कि वो दुख के समय में परमेश्वर को पुकारता है, मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम हर समय दुख में हो या सुख में हो, हर समय प्रभु की स्तुति और आराधना करें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत दृष्टि से कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक नया गाना, या आप लोग जितने लोग नहीं जानते वो लोग सीखेंगे और जो जानते हैं वो वीडियो के माध्यम से आराधना करेंगे। गाना को सुन के आप भी मेरे साथ गाइए। तेरी सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरी सामत से भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा
मेरा यीशु, आ मुझको तू क्यों ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल की सिंहासन पसरा समझ भर जाऊं, आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा समझ भर जाऊं, छू ले मेरा प्रभु, छू ले मेरा यीशु, छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु, पवित्र रहूं सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, हालेलुया, 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 छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पिता में ईश्वर, सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक कार्य के लिए पिता जो तूने हमारे जीवन में किया, दिन हो रात में पिता में ईश्वर इतने समय तक हमको चला के रखा पिता में ईश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन तू अनुग्रह कर, और जो वचन पिता में ईश्वर तूने हमको दिया है उसी वचन के अनुसार तेरे वचन को समझाने के लिए मुझको शक्ति सामर्थ्य दे पिता में ईश्वर। और राजा हालेलुया पिता, तू हर एक विषय को कर सकता है, तू हर एक पिता असंभव को संभव कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे जीव को तू कंट्रोल में रख पिता, मेरे सर से लेके पांव तक पिता तेरी सामर्थ का आत्मा दौड़े, और पिता मेश्वर वचन का दो धार तलवार निकाल पिता प्रभु जी, उसके द्वारा तेरी महिमा तेरे राज्य हमारे जीवन में विस्तार होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर, तेरी महिमा को तू प्रकाश कर पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथ में अर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जिस स्थिति में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, परमेश्वर हमको संभालता है, परमेश्वर का आत्मा हमको संभालता है, हालेलुया। और वो परमेश्वर आज भी आपके पास आपके करीब में है। जितने लोग ने उनको पुकारा वो उनके ऊपर उनका उद्धार है, हालेलुया। उन सब के ऊपर जो खाली पुकारने से भी नहीं होता मेरे प्रियो, एक प्यार से एक आत्मा से हमको पुकारना है। सच्चाई को जब हम ढूंढते हैं तो सच्चाई के अंदर में हमको जाना पड़ता है, हालेलुया। हम ऊपर से नहीं खोज सकते हैं, हमको अंदर जाना पड़ता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के करीब अपने हृदय अपने मन अपने प्राण से प्रभु को जब पुकारते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, अद्भुत दृष्टि से कार्य करता है, हमारा हर एक विषय को पूरा करता है, हालेलुया। और परमेश्वर वो अद्भुत करी परमेश्वर है, इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है जितनों ने उसको पुकारा उसका नाम को पुकारा उनके ऊपर क्या है, उद्धार है, हालेलुया। आज हमारा विषय में एक विषय है कि हम इस जो मंदिर, यह जो मंदिर, ये शरीर जो मंदिर, इस मंदिर को हमको क्या करना है, शाप करना है। इस मंदिर को क्या करना है, हमको शाप करना है, हालेलुया। जब ये मंदिर को साफ करते हैं
तो मंदिर में स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र हमारे बीच में क्या करता है? डेरा देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में डेरा करता है तो हमारे जीवन से हर एक तकलीफ, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से हमको क्या करता है? प्रभु आजादी देता है। हालेलुया। आइए हम लोग हम देखते हैं एक बाहरी रूप को, हम मंदिर को देखते हैं। बाहरी रूप मंदिर मतलब जैसे हम गिरजा को देखते हैं और हम लोग पुराना नियम में जाते हैं तो वहां पर बाइबल में अगर पुराना नियम में जाते हैं, एक मंदिर बना था जिसको कहा जाता है समागम तंबू या मंदिर, जिसको हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा वहां पर क्या करता था? वास करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के समय भी प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को शाप कर रहे हैं। हम लोग यूहन्ना 2:13 से जब हम पढ़ते हैं, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 2:13 से हम लोग जब 25 को देखते हैं, उस समय क्या हुआ? मंदिर के पास बिजनेस जैसे काम चालू हो गया। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और जस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सरपों को के पैसे बिखरा दिए और पीड़ों को उलट दिया। हालेलुया। आज हम जब देखते हैं ये मंदिर, हम लोग जब बाइबल के अनुसार नया नियम हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़े और वो जब अपने प्राण को सब पूरा हुआ जब बोले और जब अपने प्राण को त्याग दिए, तब हम देखते हैं मंदिर का पर्दा क्या हो गया? फट गया। हालेलुया। मतलब हमारा कनेक्शन क्या हो गया? परमेश्वर से स्वयं जुड़ गया। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको कंपेयर जब हम करते हैं, इस वचन को जब हम कंपेयर करते हैं, आज भी इस परिस्थिति से हो गया है। हम परमेश्वर का सेवा को एक बिजनेस की तरह कर दे रहे हैं। हालेलुया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर हम देखते हैं कि प्रार्थना करने के लिए भी पैसा, चंगाई करने के लिए पैसा, पर्सनल मीट होने के लिए पैसा, फैमिली से बात करने के लिए पैसा, कुछ भी ज्वाइन होने के लिए पैसा, ये क्या हो गया? एक बिजनेस हो गया है। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने तो आपको दान फ्री में दिया है। हम देखते हैं इसी तरह से क्या हुआ, ये मंदिर भी क्या हो जा रहा है? कचड़ा हो जा रहा है। ये जो परमेश्वर ने जो मंदिर को दिया है, इस मंदिर को हम क्या कर दे रहे हैं? कचड़ा कर दे रहे हैं। और वो उसने फिर क्या कहा? तब उसके चेलों को स्मरण आया, देखिए 16 को हम जब पढ़ते, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता का भवन का व्यापार का घर मत बनाओ। आज हम क्या कर रहे हैं? हम देख सकते हैं हर जगह में व्यापार जैसे हो गया है, ठगी जैसे हो गया है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के साथ जुड़ने की नहीं कोशिश कर रहा, बिजनेस को करने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको दिखला रहे हैं, वचन के माध्यम से देख रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन को तैयार करें प्रभु के लिए, अपने आप को कैसे तैयार करें प्रभु के लिए। हालेलुया। आप अगर अपने अपने जीवन में कुछ भी व्यभिचार हो या पाप में आप गिरे हुए, उसको आपको इस मंदिर से निकालना पड़ेगा मेरे प्रियो। लालच अंदर अगर है तो लालच को भी हमको निकालना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो कोई भी इस पास्टर या कोई भी हो, मैं उन लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आज हम बिजनेस तेल को हम क्या करते हैं? बिजनेस कर देते हैं। पानी को हम क्या करते हैं? बिजनेस कर देते हैं। उसको 10 रुपया में लाते हैं तो उसको हम 100 रुपया में, 200 रुपया में बेचते हैं। ये है कि बिजनेस हो जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, इन सब से आपको बचना है।
आपको खुद को परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया है। ये शरीर आपके लिए परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम देखते हैं कि वहां पर वचन दिया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और परमेश्वर का आत्मा आपसे वास करता है। आप दुनिया के पास नहीं, परमेश्वर खुद पुकारिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। पास्टर का काम क्या होता है? चरवाहों का सही रास्ता दिखाना, मगर जब चरवाही बिगड़ जाए तो वो कैसे चरवाही करेगा। हालेलुया। मेरे मैं जानता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग और जिसको पसंद आएगा वो विरोध भी कर सकते हैं, मगर जो रियल है, जो सच्चाई है, मैं वो ही बताऊंगा। आज सेवा क्या हो जा रहा है? एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है मेरे प्रियो। ये शरीर को परमेश्वर ने आपको बनाया है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे वास करे, वो आपके साथ बातें करे। हालेलुया। इस मंदिर को प्रभु ने आपके लिए बनाया है कि वो वास करे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 6:16 में जब पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मरने वालों के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ये शरीर में परमेश्वर वास करेंगे, वो आपसे बातें करेंगे, वो आपसे चले फिरेंगे, आपके साथ जैसे आप चलते हैं अपने दोस्त यार से बात करते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो ये शरीर को परमेश्वर ने आपके शरीर आप ये शरीर आपका नहीं है, मैं बोलने से जाऊंगा, ये शरीर का हक केवल केवल परमेश्वर का हक है। हालेलुया। और ये शरीर में शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है शरीर में। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके वचन के विरुद्ध में, व्यभिचार में, पाप में, मूर्ति पूजक में, हर एक विषय में, लालच में, ईर्ष्या में अगर घुस रहे हैं तो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का बिजनेस है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस मंदिर को हम क्या कर रहे? कचरा कर रहे हैं। परमेश्वर का भवन को क्या कर रहे? कचरा कर रहे हैं। अपने आप को कचरा कर रहे हैं, अपना जीवन को कचरा कर रहे हैं। हम लोग पहला कुरिन्थियों 3:16 और 3:17 को भी हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो कोई इस मंदिर को अपवित्र करे या नष्ट करे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे नष्ट करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको बनाया वो बसने के लिए, आप परमेश्वर का घर है। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में रखिए। जैसे परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, आपके अंदर परमेश्वर बसेगा और उनमें चला फिरा करूंगा, वो चलेगा आपके साथ, आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर भी आपके साथ जाएगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इस भवन में परमेश्वर नहीं रहता है, इस चर्च भवन में परमेश्वर नहीं रहता है। हाँ, हम एक जगह में एकजुट होकर सहभागिता करके एक जगह को हम चॉइस करके वहां पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मगर असली घर तो परमेश्वर का आप है, असली मंदिर तो आप है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और उस पास्टर लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सही कीजिए, क्योंकि जिस तरह से उस मंदिर में कचरे को निकाल दिया गया था, उसी तरह ना हो कि वो दिन आ जाए कि यीशु मसीह आपको भी उस जगह से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं साउल को परमेश्वर ने चुना, मगर साउल परमेश्वर की नजर में खरा नहीं उतरा बोल के उसको उस राजकीय पदवी से, उस सिंहासन से उसको त्यागना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मुंह उसके ऊपर से पूरा फिर गया था। हालेलुया।
आज हम परमेश्वर के नजर में किस तरह से हैं, अपने आप को सोचिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को सोचिए, नहीं तो अन्यथा देर हो जाएगा तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। हालेलुया। हम लोग उसी में पहला क्रंथियों 6:19 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर ने आपको ही दिया है और तुम अपने नहीं हो। आप परमेश्वर के नहीं है, सॉरी, आप अपने आप में नहीं है। हालेलुया। आप खुद में खुद नहीं है, ये परमेश्वर का अधिकार है, ये शरीर परमेश्वर का अधिकार है, और हम अपने शरीर में मन इच्छा से नहीं बल्कि हम इसके अनुसार चलना है हमको। हालेलुया। इसके अनुसार चलेंगे तभी हम परमेश्वर का अधिकारी हो सकेंगे या परमेश्वर का संतान हो सकेंगे। मैं प्रचार करता हूं तो बहुत सारे लोगों के सामने जब प्रचार किया जाता है तो मैं उन लोगों को बताता हूं कि कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। तो सब कोई वहां पे 100 में से 1 जन 2 जन या हाथ नहीं उठाए, मगर 100 में से 100 जन ऐसे हाथ को उठा के बोलेंगे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। सबका चाह है मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। हालेलुया। नर्क कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि नर्क में क्या होता है? पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, कोई जाना नहीं चाहता है। हालेलुया। मगर स्वर्ग सबके लिए जाना है, क्योंकि वहां पर सुख है, शांति है, आनंद है, सब कोई जानते हैं। मेरे प्रियो, उस राज्य के लिए जाने के लिए, उसकी प्रजा बनने के लिए, आप प्रजा हैं, हर एक प्रजा है, मगर प्रजा बनने के लिए हमको परमेश्वर ने कुछ परीक्षा के लिए इस जगत में छोड़ा है, अपने आप को सही करने के लिए छोड़ा है, परमेश्वर के राज्य के लिए सही करना है हमको। हालेलुया। उसके कार्य के लिए सही करना है, एक मसीह जीवन सहज नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमको भी जगत नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है, अपना जीवन में जो भी कमी घटिया है, इंसान है, मानते हैं मेरे से भी गलती होता है, आपसे भी गलती हो, हर एक इंसान के शरीर से गलती होता है, मगर इसका मतलब नहीं कि हम बार बार उस गलती को दोहराए, बार बार परमेश्वर से क्षमा मांगिए, हिम्मत दीजिए, प्रभु आपको देगा, और इस मंदिर को, इस शरीर को पवित्र बनाइए, क्योंकि उस परमेश्वर का विराजमान वहां पर आएगा। हालेलुया। जब मिलाप वाला तंबू परमेश्वर मूसा ने बनाया परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, और परमेश्वर का जब उपस्थिति वहां पर आता था तो परमेश्वर के फूल, मतलब संपूर्ण उपस्थिति उस जगह में उतर के आता था, और जितने लोग वहां पर रहते थे सबको डर जाते थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आता था। हालेलुया। आज हम अपवित्र के वजह से परमेश्वर की उपस्थिति संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। हालेलुया। जब ये संपूर्ण उपस्थिति हमारे जीवन में आएगा तो सोचिए, जिस तरह से इसराइल को देख के हर एक देश डरता था क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ है, उन लोगों को डर था। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी के वजह से आज लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लोग चर्च को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। क्लेश आएंगे मेरे प्रियो, इसका अर्थ नहीं है क्लेश आएंगे बोल के, क्लेश आएंगे, मगर परमेश्वर का मंदिर को क्या हम सही कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के मंदिर को क्या हम परमेश्वर के नजर में सही कर रहे हैं? क्या परमेश्वर क्या मेरे से खुश है? क्या परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है? क्या मैं परमेश्वर को दुख नहीं दे रहा हूं? तो कभी पूछे परमेश्वर को। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, फिर भी हम बोलते हैं मेरे पास घटी है। हालेलुया। आप नीचे के लोगों को देखिए,
जो आपसे नीचे हैं उनके जीवन में परेशानी होता रहता है। हालेलुया। मगर प्रभु ने आपको नाश्ते खाने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, घर, हर एक विषय को प्रभु आपको जरूरत को पूरा किया है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की जरूरत को पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की जरूरत को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर परमेश्वर इतना ही चाहता है कि वो पवित्र बने, मेरी आज्ञा के अनुसार चले, तभी आप पवित्र ठहर जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग और एक तो देखते हैं, लेवीय व्यवस्था जब पढ़ते हैं 26 का हम लोग 12 को पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, इस मंदिर के बारे लिखा हुआ है। देखिए, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, क्या करेंगे, वो हमारे बीच चला फिरा करेंगे, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बन रहोगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके मंदिर को पवित्र करके रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे बीच में से चला फिरा करेगा। हमारे कितना महान हम हैं, कितने हम तो गर्व करते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा खुदा परमेश्वर है। आज भी वो परमेश्वर मिरिकल से मिरिकल, आश्चर्य कर्म से हर एक विषय को करता है मेरा परमेश्वर। और क्या करता है, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, उसकी प्रजा बनोगे आप। हालेलुया। उसके लोग बनोगे आप, उसके याजक बनोगे आप, उसके पुत्र बनोगे आप, उसका फ्रेंड बनोगे आप, उसका दास बनोगे आप। हालेलुया। हर एक विषय आपको दिया है, अधिकार के ऊपर अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने। क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या क्या आपने जीवन में कभी पूछा है कि प्रभु तू खुश है तो मेरे जीवन से? हालेलुया। हर वक्त परमेश्वर को खुश करने के लिए हमको सोचना है। हालेलुया। हम लोग इजिकल 37 का 37 का हम लोग जब पढ़ते हैं 26 और 27 को, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगा, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाया रखूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर सर्वदा पवित्र स्थान सदा बनाए रखेगा। आज इस्राएल में मंदिर नहीं है, मगर आप हैं। आपको परमेश्वर सदा सर्वदा मंदिर बनाने के लिए चाहता है। और मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर बना रहेगा, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर बना रहेगा। हम लोग जब देखें मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर संपूर्ण रूप से आता था, और इस वक्त भी क्या बोल रहा है, मेरा निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे प्रजा होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के जगत में आया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के जगत में आया, मनुष्य के साथ खाया पिया, आपके जैसे मेरे जैसे होके रहा। हालेलुया। 3 दिन के बाद मृतकों में से जब जी उठा, तब भी परमेश्वर 40 दिन तक मनुष्य के बीच में रह के, हालेलुया, बातचीत किया। वो उस जगह को जगह पसंद ना करके इस जगत में आपके लिए, आपके शरीर में, आपके मन में वास करने के लिए पसंद करता है। हालेलुया। ऐसा प्रेमी परमेश्वर मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा है। हालेलुया। इतना प्यार, इतना मोहब्बत आपसे करता है, और उस परमेश्वर के लिए आप भी मोहब्बत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, प्यार चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्यार करें, और जो प्यार करने वाला रहता है, उसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञा को पालन करेगा, मेरी आज्ञा पर चलेगा। मैं अगर वो मेरी आज्ञा को चलता है तो मैं
पवित्र आत्मा अपुत्र क्या करेगा, आपके शरीर में वास करेगा, स्वयं परमेश्वर आपके शरीर में वास करेगा, और जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने आप को प्रभु के लिए खड़ा कर लीजिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त करें। हालेलुया। पिता में सदा धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता, सच्चाई का आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को तू छू ले और पिता में से उनके कमी घटी को तू पूरी कर पिता। जितने लोग इस वचन को सुने पिता, उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न कर सकती थे, कमी घटी को पूरा कर, रोग विपत्ति आपत्ति से, घरेलू हिंसा से, घरेलू झमले से पिता अशांति का आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक विषय को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, विश्वास के साथ सारे आदर में जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की।